गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून वाला ये सर। क्वेश्चन, हाँ किसने वाला ये क्वेश्चन? सर मेरा है। तो नैतिक तुमने ट्राई किया? नहीं किया। और जो पहले क्वेश्चन मैंने लिखा था मार्क करके सर्कल किया था कि माइनस माइनस प्लस होता है, उसका तुमने कोशिश ही नहीं किया है ना। एक क्वेश्चन डाला उसके बाद फिर आराम से गांव में घूमते रहे। माइनस एट ए इंटू ए क्या होगा? पहले माइनस एट ए स्क्वायर, फिर माइनस एट ए इंटू वन करेंगे, माइनस वन है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो कितना हो जाएगा? एट ए माइनस सेवन ए इंटू वन, सेवन ए, और फिर माइनस और प्लस है मतलब माइनस में आएगा, और सेवन फाइव सा 35 ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए कितना हुआ? ए स्क्वायर माइनस ए इंटू वन ए होता है। इस लाइन को एक बार देखो और बताओ इसमें कोई डाउट है अच्छे से। और कौन ज्वाइन किया है नैतिक और निहारिका को के अलावा? क्या बोले एक्शन क्या कशा? तो तुम लोग ग्रुप में डालते क्यों नहीं हो? कोई क्वेश्चन डालता है तो उसको तुम लोग सॉल्व करके ट्राई करना चाहिए ना। ग्रुप हमने किस लिए बनाया है? इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट एंड ही इज पोस्टिंग इन व्हाट्सएप ग्रुप, अदर्स ऑल्सो हैव टू ट्राई दैट। इसीलिए तो ग्रुप बनाया हमने कि एक दूसरे का हेल्प करो, ट्राई करो। तो किसी का कोई आंसर नहीं आता है, एक ने क्वेश्चन डाल दिया बस, फिर अपने आप घूम रहा है कि सर तो भेजेंगे। तुमको क्या कैसा ये चैप्टर हुआ है, ये समझ में आया तुम्हें हमने कैसे लिखा है इसको? कुछ तो बोलो हाँ या ना, कुछ तो बोलो कि नहीं समझ में आया या मैंने नहीं पढ़ा ये चैप्टर। क्या कशा यस तुमको ही पूछ रहा हूं। सर, हाँ ये वाला चैप्टर तुमने पढ़ा है? यस सर, ये समझ में आया हमने जो किया अभी, सॉल्व फर्स्ट स्टेप जो लिखा? यस सर। ओके इसके बाद बताओ क्या लिखेंगे, क्या कशा नाउ व्हाट टू डू? सर 42 a² ओके माइनस 8 a² हाँ फिर -35 a² प्लस गुड a² हाँ प्लस 8a -7a -8। माइनस ए गुड। तो ऐसे ही तुम लोग कर सकते हो ना पोस्ट अपना खुद कॉपी में करके। समझ में आया निहारिका नैतिक? हम लोग लाइक टर्म्स देखते हैं, ए स्क्वायर वाले हैं तो एक साथ, ए वाला है तो एक साथ, ए क्यूब होगा तो सब एक साथ, ठीक है। अब पहले हम ये ए स्क्वायर वाले सारे सॉल्व करेंगे, ये जो ए स्क्वायर यहाँ तक है। तो 42 माइनस 8 कितना होगा? तो यहाँ पे चलो माइनस करके देख ही लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4, और यहाँ हो जाएगा 3, 34 ए स्क्वायर। फिर 34 -35 और +1 कितना हो जाएगा? -34 ए स्क्वायर -34 स्क्वायर प्लस 8a - 7 है कितना हो गया? ए4 ए और एक और माइनस ए है, तो ऑल विल गेट कैंसल्ड। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? इज इक्वल टू 0, जीरो ठीक है। समझ में आया निहारिका रहती? कुछ डाउट है इसमें तो यस सर, नो सर, इसका नो स्क्रीनशॉट सर। लो। और एक क्या क्वेश्चन पूछा था? क्वेश्चन नंबर 12, बिलिया इसको सर, क्लियर कर रहा हूं मैं। यस सर, 100x ये किसने डाला था क्वेश्चन? 100x इनटू सर ये भी 0.01 मेरा। एक्स, इसको भी किसी ने ट्राई नहीं किया। फिर 0.19 yz, ये तुम्हें आता है नैतिक? सर ट्राई कर सकता हूँ बताओ क्या ट्राई करने वाले हो तुम, क्या करोगे, कैसे करोगे? सर, पहले पहले जो ब्रैकेट वाला है उसको बाहर निकालेंगे तो 100 से इंटू करेंगे दोनों को। मतलब क्या लिखना है मुझे बताओ, तुम बताओ मैं लिखूंगा। सर पहले 1 x² 1x² 1x² कैसे सर हो गया 100x? 100 x² हाँ 100x²
हंड्रेड एक्स स्क्वायर, फिर पहले क्या होता है, अगर हमने यहाँ लिखा है ए इंटू बी माइनस सी, सपोज बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी, यही होता है ना। तो यहाँ हमारा ए क्या है, 100x है, 100x इंटू, और बी क्या है, 0.01x माइनस 100x इंटू 0.19yz, ठीक है, इक्वल टू, नाउ वी कैन राइट 100x इंटू 0.01 का मतलब 1/100 माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा 100x 0.19 का मतलब 19/100 वाई जेड इक्वल टू 100 एंड 100 गेट्स कैंसल्ड, कितना बचा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर भी 100 एंड 100 गेट्स कैंसल्ड, कितना बचा 19xyz, बस ये तुम्हारा आंसर हो गया। इसमें क्या करना है, कुछ भी नहीं, कॉमन भी निकाल सकते हैं ना। इफ यू वांट यू कैन राइट इट हियर और करके, और x इंटू एक्स माइनस 19yz ऐसे भी लिख सकते हो। अगर लग रहा है कि दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, या दो आंसर आ रहे हैं तो दोनों ही लिखो, टीचर को जो अच्छा लगेगा उसको टिक मार्क कर लेगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, और कोई क्वेश्चन ऐसा है तो बताओ, या बाकी सब क्वेश्चन कर लोगे। निहारिका या नैतिक, और कोई क्वेश्चन है ऐसा, या मैं दूं, तुम लोग कर लोगे सारा? यस ओके देखते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड माइनस वाई टू द पावर 5, ठीक है, इसको करो तीनों लोग। जब कर लोगे तो आंसर में बताना, बस बोलना कि मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है, आई एम वेटिंग। सर, माइनस एक्स का पावर 8 वाई जेड। सर माइनस एक्स का पावर 8 yz, ठीक है, और कुछ? यही आंसर है तुम्हारा फाइनल? यस सर, ओके, और किसी का हुआ? साइलेंस है। इंटू एक्स टू पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड देन माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू, हाँ क्या हुआ, कौन क्या बोल रहा है? प्लस हाँ? है ना सर, प्लस प्लस कर ये दीजिए प्लस सीधा सीधा। कर दे सीधा सीधा, एंड ये मैं मेथड बता रहा हूँ, मेथड तो ऐसा ही है ना, ए इंटू बी प्लस ए सी प्लस डी अगर है तो ऐसे ही लिखेंगे ना, पहले बाहर निकालेंगे तो, ठीक है, इक्वल टू माइनस साइन तो माइनस ही रहेगा, एक्स का पावर एक जगह टू है एक बार 4 है, तो एक्सपोनेंट्स क्या होता है, एक्स मल्टीप्लाई होता है कि को प्लस पावर हो जाता है? प्लस प्लस 4, ठीक है, और वाई स्क्वायर माइनस एक्स का पावर यहाँ क्या होगा, 2 प्लस 2, और वाई का पावर भी 2 प्लस 2, एंड जेड एक्स में इसको ऐसे लिख देंगे टू माइनस। हाँ बोलो, सर, माय आंसर हाँ व्हाट इज योर आंसर? सर, माइनस एक्स का एक्स टू द पावर 6 वाई स्क्वायर हाँ माइनस हाँ एक्स टू द पावर 4 वाई टू द पावर 4 एंड देन जेड प्लस एक्स स्क्वायर जेड क्या, प्लस वाई जेड टू की द पावर माइनस जेड? सर ओनली जेड ओनली जेड, एक्स टू द पावर 4 वाई का पावर इन 4 एंड उसी के माइनस साथ जेड है ना? यस सर अच्छा, इसके बाद? प्लस हाँ एक्स स्क्वायर एंड देन वाई टू द पावर 7 पावर 7, तो तुमने बहुत लेट बताया है, तो मुझे श्योर नहीं है ना तुमने देख के बताया, माइनस कैसे बताया? अभी कोई फायदा नहीं है नो बताने से, सर पहले बताना था। वाई टू द पावर 4 जेड माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर प्लस 7 एक्स स्क्वायर 17 एक्स स्क्वायर प्लस प्लस एक्स स्क्वायर
माइनस, अच्छा इधर वाई प्लस है, हाँ कर ये वाला, ओके हाँ ये वाला प्लस, ठीक है राइट। तो तुम्हारा आंसर क्या कैसा, इतना छोटा कैसे आ गया, नहीं कि मैं सब एडजस्ट कर दिया। लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स दोनों को मिक्स नहीं कर सकते ना, एक्स का पावर 6 y² अलग टर्म है, x^4 y^4 अलग टर्म है, हियर यू कैन जस्ट टेक कॉमन, अगर कॉमन लेना है तो ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मान लो x² और y² ले सकते हैं कॉमन, बाकी यहाँ पे क्या आ जाएगा, -x^4 आ जाएगा अंदर, ठीक है, माइनस फिर x² y² एंड z आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस आएगा, ठीक है, y^5 ऐसे लिख सकते हैं या तो, ठीक है। पहला ये, दिस और दिस दोनों ही सही है, ठीक है, दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। यस सर, डन। माइनस सपोज आई एम राइटिंग 12 y x z इंटू -xy + yz -zx, इसको करो तीनों। सर डन। हाँ नैतिक बोलो, तुम्हारा क्या आंसर है? सर 12 y² हाँ x² हुँ। एंड जेड हुँ। -12 y² हाँ एक्स जेड स्क्वायर +12 y x² एंड देन z² बाकी दोनों का क्या आया, क्या सर माय आंसर इज आल्सो सेम कशा? सर 12 x y z 12 x y z, ठीक है, उसके बाद सर इन ब्रैकेट xy -y +xz हमने कॉमन लिया ना x y z, यस ओके सर देन x y z, हाँ देन माइनस, सर ब्रैकेट में xy z नहीं होगा फर्स्ट में सर तो क्या लिखा है? हाँ z हटाइए एक्स हाँ और वाई y यही है ना, माइनस ठीक है, यस सर उसके बाद, y हाँ y प्लस एक्स जेड y + x z, यस सर ओके x y² z, यहाँ पे z नहीं है और नो सर क्यों, यहाँ पर z² है ना, तो z into z z² होगा ना, यहाँ z लेना पड़ेगा ना, वाई नो यस सर मिस्टेक ये, और फिर यहाँ पे क्या है प्लस, उसके बाद क्या है लास्ट वाला xz x और z, x² y z² हाँ ये भी ठीक है, तो दोनों ही लिख सकते हो, ठीक है दिस, लेकिन अगर एग्जाम में आता है तो दिस और दिस करके दोनों ही लिखना है, दोनों लिखोगे तो और अच्छा है, ठीक है, ओके। यस सर ओके सर सब्ट्रैक्ट -4xy + z फ्रॉम इट्स, सॉरी फ्रॉम इट्स प्राइस वैल्यू, इसका मतलब समझ में आया क्वेश्चन का? यस सर बाकी दोनों को क्यों नो सर नो सर सब्ट्रैक्ट दिया है, मतलब उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम किससे करना है, इट्स थ्राइस वैल्यू, मतलब उसका 3 गुना जो वैल्यू आएगा उससे, अगर मैं लिखूंगा सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम इट्स थ्राइस वैल्यू, मतलब क्या है, 2 को सेपरेट करना है फ्रॉम इट्स थ्राइस, दैट इज 6, 6 - 2 इज 4, अभी समझ में आया? नो सर यस सर
इफ आई एम राइटिंग हियर सब्ट्रैक्ट टू फ्रॉम इट्स थ्राइस, इसका मतलब नहीं समझ में आया क्या? कशा सर टू का थ्राइस कितना होता है? डबल, ट्वाइस, थ्राइस, ये सब नहीं सुना? यस सर तो फिर थ्राइस मतलब क्या हुआ? थ्री टाइम्स ऑफ इट। तो सब्ट्रैक्ट टू मीन्स टू को सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम इट्स थ्राइस मीन्स उसका तीन गुना क्या हो गया? थ्राइस ऑफ टू मीन्स थ्री इंटू टू, दैट इज 6 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 4। इसी ढंग से करना है ऊपर वाला, आप ट्राई करो। सर हाँ सर बोलो, देन क्या है तुम्हारा आंसर? -8x है सर नथिंग, एट एक्स बताओ बताओ। वाई 8x y xy, हाँ -4z ये है ना आंसर यस तुम्हारा? क्या है, सर क्या है कशा, बताओ। -8x y+z यार का तुम्हारा आंसर है ही नहीं। नो सर है ओके बताओ क्या है। -8x+z 4z सभी का अलग अलग आंसर है मतलब, है ना? फ्रॉम इट्स थ्राइस मीन्स अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? -3, और बाकी सबको ऐसे ही रहने दो। सब्ट्रैक्ट मीन्स माइनस, किसको सब्ट्रैक्ट करना है? माइनस ऑफ -4xy+z को, ठीक है? इक्वल टू -3 इंटू -4xy, तो कितना हो जाएगा ये? 12xy, देन -3z, ठीक है? ये हो गया, नीचे वाला मैं मिटा दे रहा हूं। देन कम्स माइनस, माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और जो अंदर है उसको वैसे ही रहने देंगे। प्लस जेड इक्वल टू, इसके बाद ट्राई करो आप फिर से। सर हाँ बोलो, ठीक सर सर मेरा आंसर सेम है है, ओके। देखो 12xy-3z-4xy+z=2। 12xy और -4 पहले करेंगे, है ना? ये हो जाएगा 8xy, देन -3z+z=2z। तो तुम्हारा आंसर सेम है। हाँ नो मैं अब कह रहा हूं कि ट्राई करो, इसका मतलब कुछ बात होगा ना। तो इतना ओवर कॉन्फिडेंस भी बहुत खतरनाक चीज है। स्क्रीनशॉट लो इसका। और वो -p और 4p वाला क्वेश्चन था, उसको फिर किया क्यों नहीं? उसके बाद तुम चले गए गांव घूमने, नैतिक। मैं कुछ अमेंड करके दे रहा हूं, आने उसको फिर से ट्राई करना है ना। सर वहां पर माइनस नहीं था वो मतलब वो 4p जब 7p जब उसके लाइफ टाइम्स बाद आए फिर, उसके बाद दोनों फिर प्लस कैसे हो गया? उसके बाद मैंने लिखा है ना, रुको मुझे देखने दो। मैंने उसके बाद तुम्हें कॉल, उसमें मैसेज भी डाला है। जो मैंने गोल किया है वहां पे तुमने लिखा है, पहले लिखा है ऊपर में क्या? माइनस, माइनस वो तो हो गया प्लस, है ना? +4। उसके बाद तुमने फिर उसको -4p कैसे लिख दिया? 10p-3p, 7p-4p। अच्छा राइट साइड तुमने 4 और p एकदम दूर दूर लिखा है, उसको इस तरफ लाए हो। प्लस यस सर 7p+4, सेवन पी प्लस 4 इक्वल टू 4p+13, 7p-4p=13-4, 9, 3p, 3 3 3 3। हाँ ठीक है, वो जो प्लस माइनस जो तुम्हारा दिख रहा है वैसा गलत है, वो पॉइंट डाला तुमने, कैसे हो गया वो? या फिर मोबाइल में ऐसा स्क्रैच आया होगा? सर नहीं सर वो गलती से उग गया था अच्छा, और एक क्वेश्चन भेजा है निहारिका ने, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल वाला।
यस सर, यस ये तुम लोगों ने सर, ट्राई किया? पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, इज, वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 7 पी स्क्वायर, 7 पी स्क्वायर माइनस 8 पी प्लस 9, ठीक है, एंड 2 ऑफ इट्स साइड्स दिए ना, एंड 2 ऑफ इट्स साइड्स आर, क्या क्या दिया हुआ है, 2 पी स्क्वायर माइनस पी प्लस 1 एंड 11 पी स्क्वायर, 11 पी स्क्वायर माइनस 3 पी प्लस 5, फाइंड द थर्ड साइड, है ना, ये बाकी लोग ट्राई करो एक बार, फाइंड द, क्योंकि निहारिका ने तो गलत किया है, फाइंड द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, ट्राई करो। सर आंसर इज -6p हाँ, -4p -6p -4p, -6p2 सर, हाँ 6p2 हाँ कर दिया, और बताओ, प्लस +3 3, चलो देखते हैं, पेरीमीटर दिया है एंड 2 ऑफ इट्स साइड्स, मान लो एक 2p² माइनस p प्लस 1 है, और एक मान लो 11p² माइनस 3p प्लस 5 है, और थर्ड ढूंढना है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पेरीमीटर में से माइनस करेंगे ना, मान लो ट्रायंगल का पेरीमीटर 10 है और एक साइड 3 है, एक साइड 4 है निहारिका, तो फिर तीसरा क्या होगा, निहारिका आर यू देयर, कि चली गई सर, घूमने? हाँ यस सर, हाँ घूमने चली गई, सर 7, 7 कैसे हो जाएगा भैया, पेरीमीटर 10 है, पेरीमीटर यानी तीनों मिला के 10 है, और दो, एक 4 है, एक 3 है, तो दोनों मिला कितना हुआ, 7 हुआ, तो यहाँ थर्ड कितना हुआ, यहाँ 3 ना होगा, तीनों मिला के ना पेरीमीटर होता है, तो हम क्या करेंगे, पेरीमीटर में से ना माइनस करेंगे, तुमने पेरीमीटर को ही माइनस कर दिया, पेरीमीटर सबसे बड़ा चीज है ना, तो तीनों मिला के है, तो पेरीमीटर में से हम माइनस करेंगे बाकी दोनों का जो सम आएगा, दैट इज 2p² माइनस पी प्लस 1 प्लस 11p² माइनस 3p प्लस 5, ठीक है, इक्वल टू, पेरीमीटर कितना दिया है, 7p² माइनस 8p प्लस 9, और अंदर क्या क्या आ गया, 2p² और 11p² कितना हो जाएगा, 13p², और बाहर आएगा तो -13p² हो जाएगा, फिर माइनस पी और -3p कितना हो जाएगा, -4p, बाहर आएगा तो +4p हो जाएगा, और कांस्टेंट कितना है, 1 है अंदर और एक 5 है, 6, बाहर आएगा तो -6 हो जाएगा, इक्वल टू 7p² माइनस 13, तो -6p² हो गया, -8p प्लस 4p माइनस 4p हो गया, और 9 - 6 प्लस 3 हो गया, मतलब नैतिक का बिल्कुल सही है, पर नैतिक तुम्हें ये करके भेजना चाहिए था व्हाट्सएप पे ग्रुप में, जब भी कोई क्वेश्चन डालता है तो उसको दूसरे लोग सॉल्व करके डाला करो, गलत होने दो, पता लगेगा ना कितना आता है दूसरे को, ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, और ये ओके सर, एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट करके मुझे फोटो भेजोगे, एक्सरसाइज देखता हूँ तुम लोग कंप्लीट होता है कि नहीं, जितना एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है ना, तुम लोग एक्सरसाइज दिए जो बुक में, उसको कंप्लीट यस करके फिर ग्रुप में डालो, जो नहीं हो रहा है क्वेश्चन, या मैं चेक कर लूंगा, पता लग जाएगा कौन सा गलत है, ठीक है, उसको करके भेजो आज, ओके। ओके, मैं एंड कर रहा हूँ, बाय 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 सर। बाय बाय।